चलिए सीधे लिए चलते हैं जेएनयू। दीपिका पादुकोण पहुंची हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो दीपिका पादुकोण जो है जेएनयू पहुंची हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि बॉलीवुड की हस्तियां जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध दर्ज करा रही थी और स्वरा भास्कर के हमने वीडियोस देखे, किस तरह से इमोशनल होके वीडियोस वो एक के बाद एक डाल रही थी, जिस पर दिल्ली पुलिस पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस इंतजार करती रही, एक भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, एक की अरेस्टिंग नहीं हुई है, जिस तरीके से स्वरा भास्कर के स्वर थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक विरोध के तौर पर बॉलीवुड की जो तमाम हस्तियां धीरे धीरे सामने आने लगी, आजाद मैदान में भी वो पहुंची और गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहले ये मैसेज फैलाया गया कि आप पहुंचिए गेटवे ऑफ इंडिया के पास। जब वहां पर वो नहीं दिया गया तो आजाद मैदान पर भी पहुंची और वहां पर बॉलीवुड की हस्तियों ने कुछ इसी अंदाज में, कुछ फिल्मी अंदाज में अपने विरोध के स्वर को जो है तेज किया। और दीपिका पादुकोण यहां पहुंची हैं और ये कन्हैया कुमार ही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कन्हैया कुमार वहां पे हैं आयशी घोष के बगल में और सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं कन्हैया। दीपिका भी यहाँ मौजूद है और एक तरह से सपोर्ट में है आयशी घोष के, लेकिन देखिए दूसरी एफआईआर जो फाइल हुई है उस एफआईआर में आयशी के साथ साथ 19 और लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि सर्वर रूम को डैमेज किया गया और रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से होनी थी उस प्रक्रिया को रोका गया। अंदर घुस जाते हैं कुछ छात्र और वहां बल प्रयोग किया जाता है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, सर्वर रूम को डैमेज किया जाता है, छात्र जबरदस्ती वहां से रजिस्ट्रार और तमाम लोगों को बोलते हैं आप बाहर जाइए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। विवाद कहां से शुरू हुआ, इसके तह में जाना होगा, विरोध होना चाहिए क्योंकि जेएनयू में हुई हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जांच की बात कही जा रही है कि जांच होगी। अब देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार सपोर्ट में उतर आए हैं और यही कन्हैया जिनके ऊपर आरोप लगते आए हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, और आज कन्हैया दिख रहे हैं उसी जेएनयू में और उसी तरीके से, उसी तेवर से। तो आजादी चाहिए, किससे चाहिए ये नहीं बता रहे हैं, किस तरह की आजादी चाहिए ये नहीं बताया। आजाद मुल्क है हमारा और ये यहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को भी पता होगा, लेकिन आजादी किससे चाहिए, किस तरह की सरकार, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, क्या जो सर्वर रूम में हुआ वो सही था,